नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अधिक लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग इस बीमारी से परेशान होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में घुटनों के दर्द को घर बैठे दूर करने के कुछ आसान घरेलू नुस्खे और कुछ इतने इफ़ेक्टिव उपाय आपको बताने वाले हैं जो जिनका अगर आप उपयोग करेंगे और प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो घुटनों के दर्द से आपको निजात और आराम जरूर मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच पीसे हुए मेथी दाने में 1 ग्राम कलौंजी मिलाकर फांकते हैं तो घुटनों में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। जी हाँ, इसके अलावा मेथी के दानों को दरदरा कूट कर सर्दियों के दिनों में 2 चम्मच और गर्मियों के दिनों में 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ अगर लेते हैं तो घुटने एवं जोड़ों के दर्द से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अलसी के दानों के साथ 2 अखरोट की गिरी मिलाकर अगर खाते हैं तो यह भी जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, घुटने का लचीलापन बढ़ाने के लिए जीरा, दालचीनी, अदरक और हल्दी का इस्तेमाल करना लाभदायक होता है। इन चीज़ों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि घुटने की सूजन और उसके दर्द को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर प्रतिदिन नारियल की गिरी खाई जाए तो इससे घुटनों में ताकत आती है और दर्द से भी छुटकारा मिलता है। रोजाना सुबह खाली पेट केवल 1 लहसुन की कली को खाया जाए तो इससे नी पेन में इलाज मिलने में काफ़ी फायदा होता है। अगर घुटनों में चिकनाई खत्म हो गई है और जोड़ों के दर्द से किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में हरसिंगार पराजित पेड़, इसे बोलते हैं दोस्तों, इसके 12 पत्तों को कूटकर 1 गिलास पानी में उबालें और जब पानी 1/4 रह जाए तो इसको छानकर ठंडा करके पिएं। 90 दिन तक अगर आप ये उपाय आजमाते हैं तो घुटनों में ग्रीस पूरी तरह से वापस आ जाती है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो 1 महीने का गैप देकर फिर से इसे आप 10 दिन के लिए दोहरा सकते हैं। आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा घुटने के दर्द से निजात पाने के लिए आप नीम के तेल में अरंडी का तेल मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम घुटनों की मालिश कर सकते हैं। इससे दर्द में आराम अवश्य मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना 2 से 3 छुहारे या फिर खजूर अगर खाते हैं तो घुटनों में ताकत आती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम वाले आहार आपको खाने हैं। दूध, दही, मछली और ब्रोकली में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इनका सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, मेथी के बीजों में जोड़ों को दर्द के दूर को दूर करने के लिए काफ़ी ये माने जाते हैं इफ़ेक्टिव। 1 चम्मच मेथी के बीजों को रात भर साफ पानी में आपको भिगोना है और सुबह पानी से मेथी के दानों को छान लेना है और बीजों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। जब आप मेथी के दानों का सेवन करेंगे तो यह आपको कड़वा तो ज़रूर लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके कुछ देर बाद यह मीठा भी लगने लगेगा। आयुर्वेद के अनुसार मेथी के बीज गर्म तासीर वाले माने जाते हैं, इसलिए यह जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल और मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, हल्दी पाउडर, गुड़ और मेथी दाना पाउडर में पानी बराबर मिलाकर गर्म करें और इसका एक लेप बना लें। इस लेप को रात को घुटनों पर आपको लगाना है और पट्टी बांधकर सो जानी है। सुबह उठकर आपको पट्टी खोलकर इसको साफ़ कर लेना है, फिर रात को यही प्रक्रिया वापस से दोहरानी है। अगर आप ऐसा कुछ दिनों तक करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा घुटनों के दर्द से आराम मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा और घुटने के दर्द से आपको छुटकारा भी अवश्य मिलेगा। अगर दोस्तों आपकी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी की वजह से है तो आप इसमें कैल्शियम वाली भरपूर चीज़ों को अवश्य खाएं, इससे आपके वो घुटनों के दर्द से छुटकारा अवश्य मिलेगा। गाजर में भी घुटनों का दर्द कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, चीन में हजारों सालों से गाजर का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। गाजर को पीस लें और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर खाएं। यह घुटनों के लिगामेंट्स को पोषण प्रदान करने के लिए दर्द निवारक के रूप में वर्क करता है।
और दोस्तों घुटनों का दर्द कम करने के लिए गर्म या ठंडे पेड से भी आप सिकाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे तमाम तरीके हैं जिनमें से किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और घुटनों के दर्द से आप आराम ज़रूर कहीं ना कहीं पा लेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।